देवी जानकी, देवी जानकी, हमारी वाटिका को उजाड़ने वाला वो वानर वही है जिसे त्रिजटा ने अपने स्वप्न में पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए देखा था, और उसने ये भी घोषित किया है कि वो आपके स्वामी श्री राम का दूत है। हाँ, ये सत्य है। किंतु सीता, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने उसे बंदी बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर रक्षयोद्धा को भेजा है। वो उस वानर को बंदी बनाने के लिए अपने साथ पिंजरा भी लाया है। पवन पुत्र है, पवन को आज तक कोई कहीं बंदी बना सका नहीं। जो पवन पुत्र को बंदी बनाएगा, हाँ, उनकी स्वयं की इच्छा हुई बंदी होने तो ये हो सकता है। वानर, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वानर। लंका में प्रवेश करके, और उससे भी बड़ी भूल तुमसे ये हुई है, यहाँ उत्पात मचाया और सबकी दृष्टि में आ गए। ए वानर, बुद्धि मूर्ख, वानरों की भांति उत्पात तो तूने बहुत मचाया, अब यदि मुझसे प्रधान सेनापति प्रहस्त पुत्र परम बलशाली जंबू माली के हाथों से बचना चाहते हो तो स्वयं आके शांति से इस पिंजरे में बंद हो जाओ। इतना भयंकर परिचय देने के लिए तुम्हें धन्यवाद विकराल जंबू माली, किंतु मेरा तो बहुत ही अल्प सा एकमात्र परिचय है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूं, और इस तुच्छ बानर को राम दूत कहते हैं, और इस राम भक्त को मात्र प्रभु श्री राम जी की भक्ति के पिंजरे में ही बांधा जा सकता है, किसी अन्य पिंजरे में नहीं। सच है, बहुत उद्दंड हो तुम वानर। सो तो मैं हूँ। निहत्थे परवार, तुम राक्षसों से धर्म युद्ध की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी भुजाओं का बल। अच्छा, देखते हैं कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। श्री राम।
तुम जम्बुमाली के हाथों से। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। प्रभु श्री राम को यहाँ के बारे में अविलंब सब बताना होगा, जिससे कि वो समय रहते यहाँ आकर माता सीता को मुक्त करा सके। अब तू मेरे पैर के प्रहार से नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या करूं, मेरे पास तो समय बहुत अल्प है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त। एक तुच्छ सा वानर दशानन लंकेश की लंका में आकर दशानन लंकेश को ही चुनौती दे रहा है। धैर्य रखे महाबली, कुछ ही क्षणों में मेरा पुत्र जम्बुमाली उस धूर्त वानर को लाकर आपके चरणों में डाल देगा। किंतु हमें तो कुछ और ही आभास हो रहा है। लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य सातों पुत्र भी वहाँ जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। परंतु मुझे विश्वास है महाराज कि जम्बुमाली अकेले ही उस वानर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जम्बुमाली तो काल की आंखों में भी धूल झोंक कर वापस आ जाता है। महाराज, मुख से वापस आ गया, क्रोध अग्नि से उबल रहा है ये तो। मैं तो तुम्हें जीवित ही पकड़ना चाहता था वानर, किंतु अब अंत निश्चित है तुम्हारा। समय क्यों लग रहा है उसे? कहां रह गया है जम्बुमाली? जम्बुमाली नहीं, आ,
आएगा लंका में। जिसे स्वयं तुमने निमंत्रण दिया है लंकेश, वो विनाश जो एक वानर के रूप में लंका के मध्य में अधिक खड़ा है। लो संभालो मेरा प्रहार। पहुंच गया यमलोक तू वानर। जम्बो माली के वार से कोई नहीं बच सकता। प्रणाम माते। प्रणाम राजमाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं चेतावनी देने आई हूँ। उस वानर को तुच्छ समझने की भूल मत करना, वो एक बड़ी चुनौती है तुम्हारे लिए। रावण, वो वानर विनाश करने ही नहीं तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने आया है। मेरे इतने भयानक प्रहार से भी बच गया वानर, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारा अंत। अब होगा तुम्हारा अंत। मंदोदरी ने अपनी शंकाओं का बीज आपके मस्तिष्क में भी बो दिया है। बीज तो तुमने बोया है संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का, किंतु मैंने तो तुम जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए कामना और तपस्या की थी, सारे राक्षस जाति के उत्थान के लिए, किंतु तुमने तो मेरी पूरी तपस्या को धूल धूसरित कर दिया। बस माते बस। कुछ धूल धूसरित नहीं हुआ है, कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही है।
नहीं हो सकता। तो ये है तुम्हारा नियंत्रण लंकेश, विनाश के आगमन का संकेत है ये। बस माता है बस, ये मात्र एक तुच्छ वानर की उदंतता है। जैसे देवताओं ने यहाँ पर कुछ शक्तियां प्रदान करके भेजा है। कुछ शक्तियां? नेत्र खोल कर देखो दशानंद, यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा महाशक्तिशाली योद्धा मृत पड़ा हुआ है। और फिर भी तुम सत्य को अस्वीकार कर रहे हो। जम्बूमाली महाशक्तिशाली था, किंतु युद्ध कौशल में निपुण योद्धा नहीं था। रहस्य, कुछ समय पूर्व तुम क्या कह रहे थे? लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य सातों पुत्र भी वहां जाएंगे, उनके मायावी शस्त्रों के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूल। रहस्य, लंकेश, मेरे पुत्र, मेरे सातों पुत्र प्रतिशोध लेंगे अपनी भ्राता की मृत्यु का। और यही नहीं, उनके साथ 5 युद्ध निपुण सेनापति भी भेजूंगा उनकी सहायता के लिए। अब देखिएगा लंकेश, मेरे पुत्र जम्बूमाली के देह के समीप उस वानर का शव क्षत विक्षत होगा। स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठेंगे। उस महाबली जम्बूमाली के भ्राता है हम सातों। लंका के प्रधान सेनापति बृहस्त के पुत्र हैं हम। जम्बूमाली तो नहीं रह जा पाए तुम्हें, किंतु हम तुम्हें इस पिंजरे में अवश्य लेकर जाएंगे। वो भी जीवित नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे। देंगे हम अपने पिताजी का। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। रावण अपने निपुण योद्धाओं को भेज रहा है, किंतु मुझे शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। उन्हें और माता सीता को अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता मैं। बड़े ही भयानक कोड़े लिए हो तुम सब। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक कोड़ा है। सखा, ओ सात युद्ध निपुण सेनानी, चाही कपी को बंदी बनानी, किंतु कौन शिवांश को बाधे वज्र
सो अंग गदा ले कांधे। रण कौशल जब कभी दिखाई, क्षण में सबको धूल चटाई। बंदी बनाने थे जो आए, हनुमत उनको ही बंदी बनाए। जय जय वीर प्रभु हनुमंता, धर्म के रक्षक पाप के हंता। सियाराम सियाराम जय हनुमान, राम सियाराम सियाराम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान रचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सखा जय श्री राम। दशानन, यदि ये सब योद्धा भी परास्त होकर आ गए तब तुम किसे भेजोगे? क्योंकि जम्बू माली जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को जिसने यहाँ फेंक दिया हो वो क्या नहीं कर सकता है? मुझे संदेह है तुम्हारे योद्धाओं की सफलता पर। माते आप तो देख लिया रावण, अब बताओ अब किसे मरने के लिए भेजना चाहोगे तुम? मैं जाऊंगा वहां। रावण, मुझे आशा है कि अब तुम अपनी सेना के और अधिक बलशाली और अधिक महत्वपूर्ण योद्धाओं को भेजोगे, और यही मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अधिक से अधिक योद्धाओं का संहार करके यहाँ से जाऊं, और जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम और तुम्हारी ये पूरी लंका नगरी हर पल हर घड़ी शंकित और भयभीत रहे। तो भेजो अपने और योद्धाओं को। मैं आपका कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार, मैं वहां जाऊंगा उस धूर्त वानर को दंड देने के लिए। और आप देखिएगा पिताश्री कि कितने शीघ्र वो दंड वानर आपके इन्हीं चरणों में हाथ बंधा पड़ा होगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी ये भुजाएं उस वानर को कठोर दंड देने के लिए तड़प रही हैं। रावण, तुम्हारे प्रहरी भट मारे जा चुके हैं, सुभट किंकरों का नाश हो चुका है, अब भेजो
किसी महाभट्ट को। तुम महाभट्ट हो, महायोद्धा, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूं, मेरी बात मान लीजिए। अक्ष कुमार को वहां जाने की आज्ञा मत दीजिए। अपने पुत्र को काल के गाल में मत भेजिए। महारानी मंदोदरी, ऐसा मत कीजिए स्वामी। अक्ष कुमार की आयु तो देखिए, तरुणावस्था ने अभी इसके जीवन में आरंभ ही किया है। इसके जीवन की ज्योति उस वानर रूपी मृत्यु की आंधी को सहन नहीं कर पाएगी। महारानी मंदोदरी, अनेक वीर रक्ष योद्धाओं को जन्म देने के पश्चात ही आप अपने पुत्र को कायरता का पाठ पढ़ा रही हैं। शोभा नहीं देता है आपको ये। हमारे पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाइए और भेज दो अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में। माते, ये क्या कह रही हैं आप? तीन लोगों पर रक्ष परचम फहराने का आपका वो स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा? भला लंकेश की माता कब से भयभीत होने लग गई? जब से तुम्हारी दृष्टि में राक्षसों का हित गौर हो गया है और तुम्हारा निजी सुख सर्वप्रिय हो गया है। इसी का परिणाम है कि वो एक वानर जो अवश्य ही सीता के पति का दूत है, तुम्हारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। बस! वन वन भटकने वाला वो साधारण नर, उसकी सहायता भला ये महाबली मायावी वानर क्यों करेगा? उसे अवश्य ही देवताओं ने भेजा है। इसे बंदी बनाकर दंडित करना ही होगा। अक्ष कुमार, मेरे पुत्र, जाओ और जाकर उस धूर्त वानर को पेड़ियां बांध कर यहां लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का आदेश है।